हेलो एवरीवन, फाइनली मुझे एस कार्ड मुझे मिल ही गया जो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के थ्रू। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे खोलने के लिए, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे मिलेगा, तो मुझे मिल गया है। तो मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो फाइनली ये बाहर आ गया है, आप देख सकते हैं। ओके, कार्ड की जो लिमिट दी गई है देख सकते हैं 360,000 रुपये की लिमिट है ये। ओके, सो इसकी कैश लिमिट है 1,08,000 रुपये, ज्वाइनिंग फी 500 रुपीज़ और एनुअल फी वही 500 प्लस टैक्स, यानी 499 प्लस टैक्स, 499 प्लस टैक्स, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा लिमिट मिल गया है। ओके, सो यहाँ कार्ड एक्टिवेशन करने का प्रोसेस दिया गया है, कैसे एक ऐप के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं इसका। सो ये एक पेपर जो जाके सभी कार्ड में आता है, और यहाँ कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको पता है कि ये कार्ड जस्ट रिसेंटली ही डीवैल्यूड किए गए हैं। और यूटिलिटी बिल जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट वगैरह था, इन सब के ऊपर 5% अनलिमिटेड था, और ये 4% जो प्रीफर्ड मर्चेंट है, जो मर्चेंट आपका कह सकते हो कि आप जिसके अंदर ओला, जोमेटो एंड स्विगी, इनके ऊपर 4% कैशबैक था, वो भी अनलिमिटेड। तो इन दोनों को अब डी वैल्यू करके इन्होंने टोटल 500 का लिमिट डाल दिया है, अपर लिमिट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, अनलिमिटेड कैशबैक विथ नो अपर लिमिट, चूंकि मैंने पहले अप्लाई कर दिया था डी वैल्यू से पहले, तो इसमें से नो अपर लिमिट, बट जबकि अब अपर लिमिट है, तो इन दोनों में अपर लिमिट है। तो इसी दोनों को मिला के आप 500 ही मैक्सिमम एक बिलिंग साइकिल में आप कैशबैक ले सकते हैं, कि अराउंड 10,000 अगर खर्च करते हैं ये दोनों मिला के, बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैस और रिचार्ज वगैरह, डीटीएच वगैरह, तो और इधर ओला और आपका के जोमेटो और स्विगी वगैरह पे दोनों को मिला के अगर एक महीने में 10,000 खर्च करते हैं तो ठीक है, ठीक ठाक वही 500 अप टू आप अर्न कर पाएंगे इस। और ये पहले ये अनलिमिटेड था दोनों ही केस में, और ये 2% जो कैशबैक है ऑल अदर स्पेंड, तो ये तो आपको मिलेगा ही, पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा। बट इन्होंने कुछ कंडीशन, पहले थोड़े कम थे अब थोड़े और बढ़ा दिए हैं, कि जैसे कि आप एजुकेशन पेमेंट पे भी आपको 2% कैशबैक अब नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ज्वेलरी जो पेमेंट था उस पर तो पहले ही बंद कर रखा था, और इंश्योरेंस पेमेंट वगैरह पे भी आपको अब नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को कम कर दिया, खत्म कर दिया इन लोगों ने, फिर भी ठीक है, दो सारी कंपनियों ने बंद कर दिए, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। फ्यूल चार्ज 1% वेवियर है, जिसको 500 रुपीज़ एक मंथ में आप ले सकते हैं, फ्यूल चार्ज वेवियर, सरचार्ज वेवियर, तो ठीक है, सब में रहता है 1%, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मेन मेरा ये मोटिव था, खैर इन लोगों से काफ़ी लोग मतलब यू नो सैड हो गए हैं कि इन पे डी वैल्यू कर दिया है, बट स्टिल ठीक है, जो अगर कम खर्च करते हैं 10,000 रुपीज़ मंथली, तो और ये होना ही था, बिकॉज क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कार्ड को एज अ बिजनेस यूज करने लग रहे थे, कई लोग लाखों के बिल पे करने लग रहे थे, अनलिमिटेड कैशबैक लेने लग रहे थे, इसी वजह से ये कार्ड सबको मिलना बंद हो गया था। तो अब जब इसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है कार्ड को डी वैल्यू तो करेंगे ही, अपने पॉकेट से तो लोग देने से रहे, और इसी वजह से ये कार्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल से लोगों को मिलना शुरू हो गया था, इसलिए सबको देना भी उन्होंने इशू बंद कर दिया था इस कार्ड को। खैर जिन्होंने फ़ायदा उठाया काफ़ी अच्छा है, बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट ले लिया है। खैर हमारे पास अब आया है, तो इसमें 2% का आपको ये मिलेगा ही, जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है, अभी देखते हैं। और नेक्स्ट फीचर्स के अंदर है अप टू 20% ऑफ और फोर, हाँ तो ये मेट्रो सिटीज़ के लिए है, 2% ऑफ देता है इनका डिनर डिलाइट करके है ऑप्शंस, और 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस इसके साथ मिलेगा, तो पर ईयर। तो अब देखते हैं फाइनली कार्ड, तो कुछ ऐसा है ये एस कार्ड, फर्स्ट टाइम अपने हाथ से टच कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास में भी किसी के पास नहीं है ये, फ्रेंड सर्कल में ये है वो कार्ड, एस कार्ड। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली मुझे मिल गया है। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनको कैश बैक नहीं मिल रहा जो फर्स्ट टाइम कार्ड होता है, तो प्लीज़ एक बार, आप हो सकता है कि ऐसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपने अपने गूगल पे में कोई अकाउंट अटैच करके नहीं रखा होगा, तो उस सिचुएशन में अगर आपने स्क्रैच कर दिया तो वो कूपन अटक जाता है, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि अपने बैंक अकाउंट में अटैच करने के बाद ही कूपन को स्क्रैच करें। और दूसरा चीज़, अगर इनकेस फिर भी आपको अगर आपको कोई कैशबैक 500 ज्वाइनिंग पे नहीं मिलता है तो फर्स्ट अप्रूव होने के बाद, तो एक बार कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करिए, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। और इसके ऊपर क्या है कि इसका जो ज्वाइनिंग फीस है, जो आपने देखा कि 499 प्लस टैक्स,
अगर मैं इसे ये वेव ऑफ हो जाएगा फर्स्ट ईयर, कूपन के अलावा भी जो मुझे 500 का वाउचर मिला है, मुझे ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी हो गया, तो उसके अलावा भी आप इसे वेव ऑफ करवा सकते हैं। सिंपल है इसके पीछे कि आप अगर नेक्स्ट 45 डेज में 10,000 एक्सपेंस कर देंगे तो जो 499 अभी मुझे लगने वाला है वो भी वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब आपने 500 का कूपन तो आपको मिला ही है जो वेलकम वाउचर, प्लस आप 499 और वेव ऑफ करवा पाओगे जो चार्ज लगने वाला था। बट फिलहाल के लिए तो डीवैल्यू के बाद ये कार्ड काफी लोग इससे अपसेट होंगे, बट फिर भी ठीक है ओवरऑल। अब क्या करिएगा, तो उतना डिवेल्यूशन भी जरूरी था, काफी लोग मिस यूज कर रहे थे, तो ठीक है फिलहाल के लिए नॉर्मल यूजेस के लिए मोर देन सफिशियंट है। इन दोनों मिला के आप 500 एक मंथ में बिलिंग साइकिल में, 2% अदर, और कुल मिला जुला के कार्ड अभी भी है अच्छा कार्ड। तो इसे प्लीज रिकमेंड तो मैं करूंगा ही, अगर हो तो प्लीज इसको रखिए जरूर, काफी अच्छा कार्ड है।